वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके फेस पे अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ये उसको जड़ से रिमूव करने में आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प करेगा। और कहते हैं फ्रेंड्स कि हमें अपने अंदर एक ताजगी महसूस करने के लिए हम लोग रोज़ कॉफ़ी का सेवन करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो क्या आपको पता है कि कॉफ़ी और भी बहुत ही कई फ़ायदे देती है और बहुत ही अच्छा काम करती है? अगर आपके फेस पे रोम छिद्र हो गए हैं या फिर आप कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपको मुहासे हैं या फिर आपकी आंखों के नीचे काले गिरे हैं, तो आप कॉफ़ी की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको एक बार लगाने से ये रिमूव नहीं होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक खाली बाउल, उसके अंदर मैंने डाली है एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर और उसके बाद में उसमें डालूंगी थोड़ा सा हनी। यहाँ पर मैं डाबर का हनी ले रही हूँ, आप चाहो तो आप कोई भी ब्रांड का हनी ले सकते हो। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, आप अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग गुलाब जल डाल सकते हो। तो लास्ट स्टेप मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पर पैराशूट कोकोनट ऑयल लिया है, आप घर का भी ले सकते हो या फिर आपको जो सूट करता है आप वो ले सकते हो। उसके बाद इस पैक को हमें अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद इस एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। कि यहाँ पर हमारा पैक बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम फेस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले आप अगर किचन से आए हो बाहर या फिर आप जॉब वगैरह से कहीं से भी बाहर से आए हो, तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। तो आप चाहो तो गुलाब जल से भी क्लीन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सादे पानी से भी इसको फेस को क्लीन करने के बाद आप पैक लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने फेस को गुलाब जल से क्लीन कर लिया है, उसके बाद फिर मैं अब पैक लगाऊंगी। तो ऐसे ही इसी तरीके से मैं पूरे फेस पे पैक को अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पैक को मैंने अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है और जो आपको फेस को वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हमें हमारे हल्के हल्के हाथों से फेस पे जो पैक लगाया है उस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप नेक से लेके पूरे फेस पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आपको एक और बात मैं बता दूं कि कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक काम करती है और हमारी स्किन में जो आपकी स्किन बेजान हो गई है तो उसमें एक जान डाल देती है। और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसाज करने के बाद अपने पैक को धो भी लिया है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है आपको वैसे ही फेस पैक को अप्लाई करना है और आपको वीक में 2 से 3 बार ज़रूर करना है। अगर आपने इसको एक बार करके छोड़ दिया तो आपको ये रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। जितनी आप अपने फेस की केयर करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और उतना ही आपका फेस ग्लो भी करेगा।
तो फ्रेंड्स, हमारी एक लास्ट प्रोसेस जो आती है वो मैं कभी भी फेस पैक लगाती हूँ या फेशियल करती हूँ, जो लास्ट प्रोसेस जो मैं करती हूँ, अगर आपने फेशियल या फेस पैक लगाया है तो उसके बाद लास्ट में अपने फेस को मसाज करना बिल्कुल ना भूले। आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो फेस पे, या फिर आप चाहो तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो आलमंड ऑयल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आलमंड ऑयल की 2 से 3 बूंदे ली हैं और उसके बाद मैंने अपने हाथ से इसको अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद फिर अपने फेस पे इसको अप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।